हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में। स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक ग्रीन स्फीयर के अराउंड एक रेड स्फीयर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये ग्रीन स्फीयर से हमने एक एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया है और इस फास्ट मूविंग रेड स्फीयर से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन द्वारा घूमने के कारण जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करी गई है। एंगुलर मोमेंटम को बच्चों याद दिलाना चाहूँगा, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट खास बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर यानी कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू या मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो उसके एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, हम आगे देखेंगे। थोड़ी सी बात कर ली जाए नील बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम की। तो नील बोर्स ने ये प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन चूंकि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कभी भी एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करता है, सो वी से दैट इट इंड्यूसेस अ करंट और इट जनरेट्स अ करंट। एक्चुअली में अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा हो तो डेफिनेशन यही कहती है कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन और अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जनरेट्स अ करंट। तो इलेक्ट्रॉन के इस रैपिड मूवमेंट के कारण एक करंट जनरेट होता है और बच्चों यही करंट इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की उत्पत्ति का कारण बनता है। अगली पिक्चर में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उसके रिवॉल्यूशन के कारण हम कह सकते हैं कि उसका मूवमेंट एक तरह से एक सर्कुलर करंट को जनरेट करता है, एक क्लोज लूप की तरह ये एक्ट करता है। और हमें पता है कि एक क्लोज करंट कैरिंग लूप इट एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल जहां पर उसके फेसेस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह काम करते हैं। Every charge like electron is a negatively charged particle. It revolves around the stationary nucleus which is positively charged. So let's analyze. चलो बच्चों analyze करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन के इस रिवॉल्यूशन के कारण उसका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है और उसकी क्या वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन के इस रिवॉल्यूशन के कारण चूंकि न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई होता है जहां पे जेड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के कारण एक करंट जनरेट होता है और उस करंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं ई अपॉन कैपिटल टी, वेयर ई इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब अगर कैपिटल टी की वैल्यू निकालना हो तो बहुत आसान है, इट इज द टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, सो इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी। अब टाइम पीरियड की वैल्यू हम करंट वाली इक्वेशन में रखेंगे तो फाइनली हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी I इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr इस फॉर्मूले में। तो बच्चों करंट हमने निकाल लिया है। अब देखना ये है जो इस डिस्कशन की शुरुआत में हमने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, तो पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द करंट सर्कुलेटिंग इन द लूप मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द लूप, सो इट इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलती है बच्चों ई वी आर बाय टू। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, जो भी हमारी लूप में करंट की डायरेक्शन होगी हम राइट हैंड रूल वहां पे अप्लाई करेंगे। करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को
एडजस्ट करेंगे, विल सेट आवर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आवर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों इस इक्वेशन को अगर मैं एम ई से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, वेयर एम ई स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगा, ई एम ई बी आर डिवाइडेड बाय 2 ME, विच इज इक्वल टू माइनस ई एल अपॉन 2 ME। ऐसा क्यों हुआ? मैं याद दिलाना चाहूंगा बच्चों कि L स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इक्वल टू एम वी आर। माइनस साइन इंडिकेट्स बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने माइनस साइन लगाया है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस भी डायरेक्शन में होगा, करंट का मूवमेंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में चार्ज का कोई रोल नहीं है, इट इज जस्ट इक्वल टू एम वी एंड आर, सो दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग अपवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि हम मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात करेंगे तो वहां पे करंट आ जाता है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। इस वजह से आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज इट, ये फाइनली आपका फॉर्मूला है, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई एल अपॉन 2 ME, वेयर एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका फॉर्मूला होता है एम ई वी आर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल इज अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बात आप एज अ फैक्ट आप हमेशा याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है ऐसा क्यों होता है, एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। एंगुलर मोमेंटम में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, एम ई वी आर इसका फॉर्मूला है, नेचर ऑफ चार्ज इनकॉर्पोरेट नहीं होता, जबकि मैग्नेटिक मोमेंट में करंट की डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है जो कि नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। तो पिछले इक्वेशन से हमने देखा म्यू एल इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2 ME। अभी म्यू बाय एल का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू ई अपॉन 2 ME। बच्चों ई इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ही कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब ये है कि म्यू अपॉन एल का जो रेशियो है यानी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो रेशियो है इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द जायरो मैग्नेटिक रेशियो एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 8.8 × 10⁻¹⁰ कूलम पर kg। दिस कन्फर्म्स एम्पियर्स हाइपोथेसिस दैट मूविंग चार्जेस लीड्स टू मैग्नेटिज्म। तो बच्चों अल्टीमेटली किसी एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण आती है। तो एज ए होल अगर हम किसी मटेरियल या पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी क्या होंगी ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन के मोशन पर डिपेंड करता है। अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 π, ये आपके बोर्स हाइपोथेसिस से आया है। फिर एन इज नेचुरल नंबर्स और एन की वैल्यूज हम डिसाइड करते हैं कि हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उसके हिसाब से हम एन की वैल्यूज पुट करते हैं। एच स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, तो ये बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन है। आइए इसका उपयोग करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट वाले फॉर्मूले में। तो एल की वैल्यू पुट करने पे हमें फाइनली ये फॉर्मूला मिलता है, ई इंटू एन एच अपॉन 4 π ME। अब एन इज इक्वल टू 1 के लिए आपके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिनिमम होगी,
विच इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई ME। अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे, तो ई भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और एम ई भी कांस्टेंट, यानी ये जो मिनिमम वैल्यू है। आगे अगर हम हायर ऑर्बिट्स की बात करें, तो हायर ऑर्बिट्स में जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, वो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सॉल्व करने पे ये वैल्यू मिलती है 9.27 × 10⁻²⁴ A·m². दिस इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन। बच्चों इस वैल्यू को आप याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। सो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि एनी इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन इट हैज सम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एनी इलेक्ट्रॉन हैज इंट्रेंसिक मैग्नेटिक मोमेंट कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है।